नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए एक अच्छी सी होस्टिंग परचेज कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि होस्टिंग क्या होता है। दोस्तों एक तरीके से आप समझ लीजिए, होस्टिंग एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे, जो भी अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, वो सारी चीज़ें स्टोर रहती हैं। यानी एक तरीके का इंटरनेट में एक स्पेस होता है, एक जगह होती है, ठीक है, उसको होस्टिंग कहते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप अपने वेबसाइट के लिए डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं, एक अच्छा सा डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं। उस डोमेन परचेज करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके लिए हमारे चैनल पर यह वीडियो मौजूद है, आप लोग देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। और अगर आप बेस्ट नीचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने एक अलग से वीडियो बना हुआ है, 15 बेस्ट ब्लॉगिंग नीचेस आइडियाज, ये भी आप लोग यहाँ पर जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉगिंग संबंधित सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि एक अच्छी होस्टिंग खरीदने के लिए आपको 2 से 3 चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो होस्टिंग आप ले रही हैं उसमें अब टाइम कितना है, मतलब कितने देर तक आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। अब टाइम का मतलब ये होता है जैसे 24 घंटे में अगर वेबसाइट का अप टाइम 99.9% है, इसका मतलब 24 घंटे में लगभग 1-2 मिनट छोड़ करके आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। अप टाइम देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा SSL, ये भी एक टर्म होता है, ये भी होना बहुत जरूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, इससे आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में जो सारी इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊँगा कौन सी आपके लिए बेस्ट होस्टिंग है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 होस्टिंग सेलेक्ट करी हैं जिनमें सारी खूबियाँ हैं, ठीक है। पहली जो बेस्ट होस्टिंग है वो है साइटग्राउंड होस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये गूगल क्लाउड पर आधारित है, यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि ये गूगल से पावर्ड है और इसकी जो स्पीड है अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क है, अल्ट्रा फास्ट स्पीड है, SSD स्टोरेज है, ठीक है, 100% रिन्यूएबल एनर्जी मैच है। तो कहने का मतलब बहुत सारी खूबियां इसमें हैं और आपकी वेबसाइट को बहुत ही जल्दी ओपन कर देगा, इतना फास्ट है। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, चैट भी इसका बहुत अच्छा है, चैट सपोर्ट, और इसमें आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी भी। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो यहाँ पर आप लोग 30 दिन के अंदर अपना पैसा रिफंड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट होस्टिंग है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अलग अलग प्लान्स है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। उससे पहले मैं आपको दूसरी होस्टिंग दिखा देता हूँ। ये एक होस्टिंग है ब्लू होस्ट, ये भी बहुत अच्छी होस्टिंग देता है और इसमें आपको SSL भी फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा पहले साल के लिए, और wordpress.org से इन्होंने इसको, मतलब wordpress.org ने इनको रिकमेंड किया हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी होस्टिंग है ब्लू होस्ट। और तीसरी जो होस्टिंग है वो है यहाँ पर होस्टिंजर की, ये भी बहुत अच्छी होस्टिंग है और अप टाइम भी इसका 99.9% है और चैट सपोर्ट भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो इसके साथ अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसके साथ भी। यहाँ पर आपको 59 रुपीज़ पर मंथ से होस्टिंग मिल जाएगी अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं तो। आपको सारा सभी वेबसाइट में दिखा देता हूँ कैसे कैसे आप होस्टिंग लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप साइटग्राउंड पर लेंगे होस्टिंग, तो यहाँ पर होस्टिंग का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको आना रिलायबल वेब होस्टिंग, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कई सारी और होस्टिंग है उनको मत ध्यान दीजिएगा, आप रिलायबल पर जाइएगा। अब यहाँ पर इनके 3 प्लान है, स्टार्टरअप, दूसरा है ग्रो वीक और तीसरा है गो गीक। मैं आपको समझा देता हूँ, स्टार्टरअप की जो होस्टिंग है $6.99 पर मंथ से स्टार्ट है। इसमें आप एक ही वेबसाइट को चला पाएंगे, 10 GB स्पेस मिलेगा, ठीक है। SSL यहाँ पर देखेंगे फ्री में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, SSL फ्री में दे रहे हैं लोग और 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इतना बताना चाहूँगा, अगर आपकी स्टार्टिंग में है तो आप ये प्लान ले लीजिए स्टार्टर आपका, और अगर आप मतलब ठीक ठाक कई सारी वेबसाइट चलाना चाहते हैं, एक थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, तो आपके लिए ग्रोबिक का प्लान बहुत अच्छा है ये,
$9.99 से स्टार्टिंग होगा और इसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट चला सकते हैं, एक ही बार होस्टिंग लेनी होगी और जितनी वेबसाइट बनाना चाहें वो बना सकते हैं इस ग्रोवीक के प्लान से। आपके स्टार्टअप अब में आपको एक ही एक मतलब अलग अलग होस्टिंग लेनी पड़ेगी, एक ही वेबसाइट इसमें आप लोग चला पाएंगे। इसमें भी फ्री SSL मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि आपका यहाँ पर जो है वो डोमेन भी कईयों में फ्री देता है, तो डोमेन के लिए भी आपको बता देता हूँ कौन सी बेस्ट होस्टिंग आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों प्लान के साथ आप शुरुआत में जा सकते हैं। ब्लू होस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू होस्ट देख लीजिए, यहाँ पर होस्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको शेयर्ड होस्टिंग में जाना है, ठीक है। बाकी ये होस्टिंग है ये आपको नहीं लेना है, शेयर्ड होस्टिंग लेना है। यहाँ पर चूज प्लान का ऑप्शन है, चूज प्लान पे जाइए, इनके बहुत सारे प्लान है यहाँ पर, देखिए आप लोग ये यहाँ पर प्लान इनके दिख रहे हैं आपको, तो इनके कई सारे प्लान है। मैं आपको ये कहूंगा अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में पहला ब्लॉग बना रहे हैं तो आप ये वाली होस्टिंग लीजिए, अगर बेसिक वाला इसमें एक ही वेबसाइट चलेगी, एक ट्रायल के लिए आपके पास सही है। इसमें भी फ्री SSL मिल रहा है और एक अच्छी बात ये है दोस्तों, इसमें एक आपको डोमेन भी फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको अलग से डोमेन बाई करने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ से आपको इस होस्टिंग साथ डोमेन भी मिल जाएगा, या फिर प्लस मेंबर इसके साथ जाइएगा, ₹299 पर मंथ में है। और सबसे अच्छी अगर होस्टिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये है चॉइस प्लस होस्टिंग, रेट दोनों का सेम है, इसका भी ₹299 है और इसका भी ₹299, लेकिन आप लोग चॉइस प्लस लीजिएगा, ये अच्छी चीज है। इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट आप चला पाएंगे और इसमें क्या है कि आपका डोमेन की प्राइवेसी भी रहेगी, साइट का बैकअप भी मिलेगा आपको, यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको अगर ये प्लान लेते हैं। शुरुआत में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप बेसिक प्लान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो भी प्लान लेना हो, सपोज करो मुझे ये प्लान लेना है स्टार्टिंग वाला ₹199 वाला, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोलेगा अपना एक क्रिएट न्यू डोमेन, अपना डोमेन नेम परचेज करो यहाँ से। तो अगर आपको आपके पास डोमेन नहीं है तो यहाँ पर डोमेन नेम अपना डाल दीजिएगा, ठीक है, और वो यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो यहाँ पर अपना डोमेन डाल दीजिएगा इस तरीके से, जो भी आपके पास डोमेन हो, ठीक है। इसका डालने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर आप डोमेन बाद में लेना चाहते तो यहाँ पे क्रिएट माई डोमेन लेटर पे कर दीजिएगा क्लिक, और इसके बाद आपको क्या होगा, ये डोमेन के जितनी अमाउंट होता है ना उतना आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, बाद में कभी भी आप अपना यहाँ से डोमेन ले सकते हैं। यहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिएगा, सिंपल सा अकाउंट है, नाम पता मोबाइल नंबर सारी चीजें डालनी है। और यहाँ पर जो फालतू चीजें दे रहा है ना ये मत लीजिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कोड गार्ड बेसिक ले लीजिए, इसको आप हटा दीजिएगा, ये सारी चीजें मत लीजिएगा। ये भी बोल रहा है साइट लॉक ले लीजिए, तो इसको भी मत लीजिएगा, फालतू चीजें देते रहते हैं, आपको सिर्फ होस्टिंग यहाँ से परचेज करनी है, ठीक है। अब तीसरी होस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर होस्टिंगर की होस्टिंग है और यहाँ पर क्या करना है, आपको होस्टिंग लिखा है ऊपर शेयर्ड वेब होस्टिंग में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे प्लान है, सबसे सस्ती अगर होस्टिंग लेना चाहते हैं तो ये होस्टिंग है आपके पास होस्टिंगर की, ठीक है। यहाँ पर भी 30 डे मनी बैक गारंटी है और यहाँ पर भी 30 डे मनी बैक गारंटी है ब्लू होस्ट में भी, तो तीनों में मनी बैक गारंटी है, कोई भी आप ले सकते हैं, पसंद ना है तो आप रिटर्न भी बाद में कर सकते हैं और अपना रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे जाना है, यहाँ पर देखिए इनके तीन प्लान है, पहला है सिंगल वेब होस्टिंग, दूसरा है प्रीमियम वेब होस्टिंग और तीसरा है बिजनेस वेब होस्टिंग। आप अगर एक ही वेबसाइट शुरुआत में चलाना चाहते हैं तो ये वाला ले लीजिए, ₹59 पर मंथ पड़ेगा, सबसे सस्ती होस्टिंग मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ही वेबसाइट चला पाएंगे आप, लेकिन मैं कहूंगा आपको कि अगर आप ब्लॉगिंग में उतरे हैं तो एक वेबसाइट से आपका काम नहीं चलेगा, आप फ्यूचर में कई सारी वेबसाइट बनाना चाहेंगे और बनाएंगे भी, तो आप ये वाली लीजिएगा प्रीमियम वेब होस्टिंग, यहाँ से ₹119 पर मंथ की है। यहाँ पर आप लोग इसी होस्टिंग से 100 वेबसाइट चला सकते हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छा फायदा है। और इसके अलावा बहुत सारे और फीचर हैं यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी आपको लाइट स्पीड कैचे मिलेगा, SSL फ्री में मिलेगा और बहुत सारी चीजें यहाँ पर सपोर्ट भी है, देखिए 99% अप टाइम गारंटी है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी आपको मिलेंगी, तो इस प्लान के साथ आप लोग जा सकते हैं ये भी। और अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आपको एक डोमेन भी फ्री में मिलेगा, ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जबकि इसमें ये जो होस्टिंग है सिंगल वेब होस्टिंग, इसमें आपको डोमेन फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मिलेगा मोस्ट पॉपुलर वाली में, प्रीमियम वेब होस्टिंग में, ठीक है। तो इस प्लान को ले लीजिएगा। अब इसमें कैसे लेना है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर देना है, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
और यहाँ से आप लोगों को अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो, और अकाउंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोलना है कि आपके पास डील मिल गई, चलो छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है फालतू की चीज आपको दे। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कांग्रेचुलेशन, आप एक फ्री डोमेन के लिए इलिजिबल हैं। तो अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो यहाँ से आप लोग अपना जो भी डोमेन लेना चाहते हैं वो यहाँ से डोमेन आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशन है, ले लीजिएगा क्योंकि फ्री में मिल रहा है इसमें आपको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से चेकआउट कर दीजिएगा। चेकआउट करने के बाद यहाँ से अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से होस्टिंग आपकी परचेज हो जाएगी। अब अकाउंट जब बनाइएगा तो जो आपका यूजर नेम है और जो आपका पासवर्ड है उसको ध्यान से सेव करके रख लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर वो उसने सीधा ले लिया, ठीक है। यहाँ से आप लोग अच्छा चूज कर सकते हैं कि 1 मंथ के लिए आपको होस्टिंग लेना है कि 12 मंथ के लिए लेना है कि 24 मंथ के लिए लेना है कि 48 मंथ के लिए लेना है। जितने महीने के लेना चाहें उतना महीने के ले सकते हैं, लेकिन 1 महीने की मत लीजिएगा क्योंकि 1 महीने में कुछ भी आप सीख भी नहीं पाएंगे, ब्लॉग रन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आप कम से कम 1 साल की लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि आपका जो पैसा है पूरा रिफंडेबल है 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, SSL भी यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप होस्टिंग ले लीजिए। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखा दी हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आगे करके। चेकआउट पे क्लिक कर देना आप यहाँ पर, और देखिए UPI से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, पेपल से कर सकते हैं, और वीजा मास्टर कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे पेटीएम से करना तो यहाँ पर पेटीएम पे क्लिक करिएगा, और इसके बाद अब आपको ये पेटीएम के लिए ऑप्शन दे देगा कि अपना पेटीएम नंबर वगैरह डालो, और इसके बाद आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एड्रेस मांग रहा है कि एड्रेस बता दो अपना, तो एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा 6,740 रुपये का पेमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ से कंटिन्यू विद पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से पेमेंट हो जाएगा और आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तीनों होस्टिंग का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आकर के परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया, वहां से हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारा आपको हम अगर कोई दिक्कत आती है तो टेक्निकली आपकी हेल्प करने के लिए आपको तैयार हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।